निगम की आवाज अलोंग विद नीति मोहन एंड फीवर 104.5 पर गुड आफ्टरनून। मैं हूँ आपकी मुंबई ची मुलगी उर्मिन। आई हैव संजय ऑन लाइन वन। कैसे हैं संजय जी? मैं अगदी वाव, आप कैसे हो? मैं भी अगदी वाव हूँ सर। दूसरे लाइन पर मेरे साथ है मनीष। कैसे हैं मनीष? एकदम मस्त। वेरी गुड, मैं अगदी वाव। आइए संजय एंड मनीष, आप दोनों के साथ खेलें। दयानंद और पार्वती की कहानी। तो जी रूल्स तो आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी फिल्म की कहानी और बताएं मैं आज कौन से पिक्चर की बात कर रही हूँ। जिस पिक्चर में दयानंद सड़कों पर गिटार बजाते हैं और पार्वती मिलते ही वो उनको पंजाबी गाना सिखाते हैं, बदले में पार्वती उन्हें अंग्रेजी सिखाती है। पार्वती बात बात पर भगवान से चीजें गिरवी रखती है और दयानंद को भी गिरवी रख देती है। दयानंद फिर आर्मी में एंटी बॉम्ब स्क्वाड में चले जाते हैं और वहाँ यस एब्सोल्युटली राइट मनीष जी, जब तक है जहाँ, बिल्कुल सही जवाब है सर। आज यश चोपड़ा जी की बर्थ एनिवर्सरी है, ये उनकी आखिरी फिल्म थी इतने कमाल के कास्ट के साथ, तो हमने सोचा इस फिल्म को ले लेते हैं। कंग्रेचुलेशंस, आपको मैं ड्यूक्स की ओर से बढ़िया से वाउचर्स दे रही हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस फॉर कॉलिंग। थैंक यू। तो जी आज ही के दिन 27 सितंबर 1932 लाहौर पंजाब में उनका जन्म हुआ और अपने फिल्म करियर में यश जी को 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं, 11 फिल्म फेयर अवार्ड्स, दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया एंड 2005 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला गया था। जब तक है जान उनकी आखिरी फिल्म थी, स्टारिंग शाहरुख खान, कटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा। बट द ब्यूटिफुल पार्ट वाज द म्यूजिक वाज गिवन बाय A.R. रहमान और लिरिक्स लिखे थे गुलजार साहब ने। आइए यश जी को याद करते हुए मैं वही खास पोयम आपको सुनाना चाहूंगी जो शाहरुख खान फिल्म में रिसाइट करते हैं।